हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक की जो एम पासबुक एप्लीकेशन है उसकी यूजर आईडी बना सकते हैं, वो भी बिना एटीएम कार्ड के और बिना बैंक जाए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको ऊपर की ओर सर्च बार दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे एम पासबुक। जैसे ही आप एम पासबुक सर्च करेंगे तो आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक का ये एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा, पीएनबी एम पासबुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसके कुछ पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। अगर इसके साइज़ की बात करें तो केवल 6.5 एमबी का ये छोटा सा एप्लीकेशन है। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है इंस्टॉल पर। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब तक इंस्टॉलिंग हो रही है तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टॉलिंग कम्प्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का ओपन का बटन शो हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते के साथ ही आपके सामने पीएनबी एम पासबुक का ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर लैंग्वेज, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश जो भी लैंग्वेज चाहें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी एंटर करनी है। कस्टमर आईडी आपको कहाँ मिलेगी यह मैं आपको बता देता हूँ। कस्टमर आईडी आपको यहाँ अपनी बैंक की पासबुक पर अकाउंट नंबर के पास देखने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 10 डिजिट का कस्टमर नंबर है वही आपकी कस्टमर आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी 10 डिजिट की कस्टमर आईडी एंटर करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी एंटर कर दी है, उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन इस पर टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होगा उसी नंबर पर आपका ओटीपी सेंड किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। यहाँ पर आपको इस टाइप का 4 डिजिट का ओटीपी देखने को मिल जाएगा। ओटीपी आप यहाँ एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड पर। यह आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एमपीआईएन सेट करना है। MPIN क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप अपने एम पासबुक एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे तो आपको अपना 4 डिजिट का MPIN एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का कोई ऐसा MPIN सेट कर लेना है जो आपको याद रह सके, ताकि जब भी आप अपने एम पासबुक में लॉगिन हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ सेट MPIN में आप कोई भी 4 डिजिट रख सकते हैं, जो भी आप अपना MPIN रखना चाहते हैं। उसके बाद कन्फर्म MPIN में भी सेम MPIN फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेट MPIN इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका MPIN सेट हो जाएगा। अब जब भी आप अपनी एम पासबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना MPIN एंटर करना है। MPIN एंटर करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आप इजीली अपनी एम पासबुक एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। यह आप देख सकते हैं आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो आप इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करके अपने लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस देख सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट का डिटेल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 90 डेज का अपना अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट देखने के लिए आप यहाँ पर फ्रॉम डेट सेलेक्ट करेंगे। जब से जब तक का आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखना है वो आप यहाँ पर फ्रॉम और टू डेट में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ 3 महीने का ही पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर डिटेल्ड स्टेटमेंट इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने आपका पूरा स्टेटमेंट खुलकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप अपना लॉगिन करने का MPIN चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चेंज MPIN इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ओल्ड MPIN में अपना पुराना वाला MPIN एंटर करेंगे। उसके बाद न्यू MPIN में जो आप नया बनाना चाहते हैं वो आप यहां पर एंटर करेंगे। कंफर्म न्यू MPIN में भी आप सेम नया वाला MPIN एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना नया MPIN चेंज कर सकते हैं। तो
गाइस इस तरीके से आप अपने एम पासबुक की यूजर आईडी बनाकर घर बैठे अपना बैंक बैलेंस और अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग बनाना चाहते हैं तो आप मेरे ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैंने आपको पूरा बताया है कि आप किस तरीके से नेट बैंकिंग की आईडी बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।